ओ हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। बॉक्सर भाई गुड मॉर्निंग। तो बॉक्सर भाई भी उठ चुके हैं। तो गाइज, इसमें आज के एपिसोड में थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई। हम निकल रहे हैं, मैं और आकाश इनोवा लेके, क्योंकि भाई हमको आ गया है कुछ काम बहुत ज़रूरी। तो हम एक दिन ही पहले निकल रहे हैं, मतलब ये हमारे एक दिन बाद पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारी ट्रिप मिस कर गए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे एक दिन बाद पहुंच जाएंगे भाई। तो ये लो स्टार्ट हो गई है, गेट खोल दे आकाश। आकाश गेट खोल रहा है भाई। तो भाई ये हमारे एक दिन बाद पहुंच जाएंगे, मतलब कि मान लो मैं पहुंचता हूं अगर 6 को, तो भाई यार 7 की रात को पहुंच जाएंगे। मतलब एक ही दिन का डिफरेंस रहेगा, वो भी बताऊं क्यों? क्योंकि भाई मुकुल आ रहा है, तो मुकुल आएगा तो यार कम से कम वो भी तो घूमेगा ना। तो मुकुल के लिए सारे रुक गए हैं, वरना सबका ट्रिप हो ही चुका है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचा है, बस मुकुल आ रहा है तो वो घूमेगा भाई, वो भी रहेगा। वो इतने पैसे खर्च कर कर आ रहा है, मानोगे नहीं, 20-25 हज़ार रुपये उसने फ्लाइट में ही खर्च कर दिए भाई। तो 25 हज़ार रुपये की फ़्लाइट करके भाई वो आ रहा है, तो वो भी घूमना वसूल करता है भाई। तो उसके लिए अपने मंजीत भैया रुके और बॉक्सर भाई रुके और अलावत और वो भाई और प्रथम रुका है, ठीक है, लक्ष्य भी रुका हुआ है। तो ये चीज़ है, बाकी इसीलिए मैंने कहा कि भाई चलो मैं तो निकलता हूँ, मेरे को अब काम है, क्योंकि मेरे को भाई वास्तव में काम है। तो इसीलिए वर्टस हटेगी क्या भाई? अच्छा, तो भाई वर्टस हटानी पड़ेगी पहले। लो भाई वर्टस हटाते हैं। क्या बात है, लो जी वर्टस भी भाई स्टार्ट पे लगा दी हमने। गाड़ी को करता हूँ बंद। ये रही भाई चाबी, निकलते अब जरा इनोवा निकाल लेते हैं भाई। गाड़ी में बैठ के आपसे पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से बात करता हूँ कि क्या कुछ है पूरा सीन। आकाश ये पकड़ियो चाबी। थार भी निकल गई भाई, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी, फिर सामान रखेंगे। चलो जी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। हो गई भाई, एक सेल्फ में हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। आपको गाइस मैं आपको बता रहा था ना गाड़ी में बैठ के बात करेंगे, तो भाई बात ये है कि आज का तारीख है, 5 तारीख है, आज 5 की सुबह 5:40 हो रहे हैं अभी, देख लो आप घड़ी में समय, और हम निकल चुके हैं भाई घर के लिए। अभी आप ये कहोगे कि भाई क्या हो गया, आप पहले क्यों आ रहे हो? तो भाई उसका 2-3 कारण है। एक तो 2-3 मेरे को काम थे, अपने पर्सनल काम थे, वो मेरे को करने थे। दूसरी चीज़ ये, पहले अलावत का भी प्लान था मेरे साथ ही निकलने का, वो भी कह रहा था भाई मेरे घर में भी कुछ काम है तो मैं भी निकल लेता हूँ, लेकिन फिर उसने पोस्टपोन कर दिया कि चल छोड़ कोई बात नहीं। और भाई बॉक्सर भाई का भी प्लान था, और एक और आपने भाई देखे होंगे हमारे साथ, लक्ष्य भाई थे हमारे साथ ग्रुप में, वो i20 जो लेकर आए हैं उनका भी प्लान था, फिर भाई उनका भी कैंसिल हो गया। तो ये चीज़ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब हम निकल चुके हैं, मैं और आकाश हैं। आकाश और मेरा अगर 10 मिनट की भी दूरी पे नहीं है, तो मैं पहले आकाश को ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। 5:42 हो रहे हैं आज का, तो हमें पूरा दिन ड्राइव करनी है, पूरी रात ड्राइव करनी है, और कल भी हमको दोपहर तक पहुँचा जाएगा हमसे जो घर है, 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊँ चैलेंज क्या हो रखा है मेरे साथ। गाड़ी में नहीं है तेल, और जिस पेट्रोल पम्प पर जाता हूँ वो पेट्रोल पम्प होता है बंद। अब ये एक उम्मीद है ओपन तो ना है उस्ताद, यो भी ना है ओपन। चल भाई जा सकते हैं आगे, चल क्या कर सकते हैं, धक्का कौन लगाएगा आगे, कर आगे देखते हैं ऑप्शन आर क्या है इसके अलावा। मेरे ख्याल से ये चलो कोई नहीं भाई, ये भी बंद था, चलते हैं भाई क्या करें, चल रहे हैं भाई रास्ते में। तो यही कारण था भाई, और ज़्यादा गैप नहीं है भाई। मैं पहुंचूंगा अगर 6 तारीख को, और वो पहुंच जाएंगे 7 की रात को, मतलब एक ही दिन का डिफरेंस है। वो एक दिन बाद ही वो पहुंचेंगे, क्योंकि वो पेंगोंग कवर कर रहे हैं। पेंगोंग के अलावा भाई हमने सब घूम लिया, बहुत मजे करे हमने इस ट्रिप पे। आकाश कैसे मजे आए भाई? ओवरऑल इट वाज गुड, बट द थिंग इज कि पेंगोंग मिस हो गया मेरा। कोई बात नहीं यार, बाद में देख लेंगे कभी। बाकी भाई अब है ना, एक चीज तो मैंने गांठ बांध ली,
लद्दाख के अलावा अगर हमें रोड ट्रिप करनी है इतनी लंबी तो हम कहीं और की करेंगे भाई। लद्दाख से तो भाई मैं 2-3 बार आके लिया छिक, हम मेरे को कहीं और की लंबी ट्रिप चाहिए। अगर मैं बाय रोड ही करता हूँ तो कहीं और की लंबी ट्रिप करेंगे भाई। लद्दाख तो भाई 2-3 बार घूम लिया तो अब कोई नहीं, बाद में लद्दाख की कभी प्लानिंग बनाएंगे। अब ये है भाई मेरे को तेल कहाँ से मिलेगा, 105 किलोमीटर की इसमें रेंज रह रही है, चले हद मार के 200 चल जाएगी, 200 किलोमीटर में कोई तेल पंप नहीं आया तो झकास। एक आगे आएगा BPCL की यहाँ पे कॉर्पोरेशन की वो है, उनका प्लांट आएगा आगे, उससे बगल में है, पक्का खुल जाएगा। हाँ जी, बाकी भाई एक और चैलेंज है इस वीडियो में, दूसरी वो ये है कि भाई जोजिला हमें क्रॉस करने देंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है वहाँ से जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं पता है मेरे को। मुझे तो लग रहा है कि ट्रैफिक वहीं से आ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ से कोई जाती गाड़ी ही नहीं दिख रही भाई। तो यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, कारगिल स्टे करना पड़ जाएगा या द्रास में स्टे करना पड़ जाएगा, और सुबह 5 बजे उठ के मैं जाके वहाँ पे 10-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा तो मेरे को मूर्खता खिलाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो देखता हूँ अगर खुले होंगे तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कल कोई कह रहा था कि भाई खुले हैं और नोटिस में ये लिखा है कि भाई नहीं खुले, तो देखना पड़ेगा गाइस। वो तो आपको भी वीडियो में ही मज़ा आएगा देखने में, बाकी तो क्या होता है क्या नहीं वीडियो में ही बताऊँगा मैं। और ये देखो जैसे इधर से आ रही है, लेकिन यार ये तो लद्दाख की गाड़ी थी ये तो, चलो कोई नहीं। अरे किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, चलो लेफ्ट हो जाते हैं, आकाश भाई ने कह दिया। ज्यादा क्या होगा, पेंगोंग लेक पहुंच जाएंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। तो गाइस चल रहे हैं, वीडियो में बने रहो आपको मजा आएगा। और रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ कि अरे भाई इंडियन ऑयल का तेल वो है खाली, वो नहीं दिख रहा मुझे। 6 बजे के बाद खुलेंगे यहाँ पे पेट्रोल पंप से, अच्छा देखते हैं काफी अभी ऑप्शन आएंगे इस तरह। चलो देखते हैं भाई, आपको भी बताता हूँ मैं जो भी सीन होता है। गाइस यहाँ पे रुके थे तेल भरवाने के लिए, लेकिन एक बीटी हो गई है। आकाश क्या हो गया बता भाई, इन्होंने टेस्टिंग करी नहीं है। सुबह सुबह जब पंप खोलते हैं तो टेस्टिंग करनी होती है, 5 से 10 लीटर की। अच्छा, तो इनकी जो मशीन से ढंग से काम नहीं कर रही है। अच्छा, प्लस ये जो पंप है सेंट्रली ऑटोमेटेड नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर कोई नहीं सॉल्व हो जाएगी, मतलब भर जाएगा ना तेल, भर जाएगा कोई इशू नहीं है। हाँ बस यही पूछ रहा हूँ मैं, 152 रुपये का आया है जब ये टेस्टिंग हो रही है। अच्छा हाँ, गुर्रा ही नहीं रही इनकी मशीन, गुर्राती है ना वरना घूम ऐसे। एक हल्का सा इशारा करा तो उसको तुरंत ही लगाना होता है। देखो भाई क्या होता है, हम तो खुद ही देख रहे हैं। ये देख लो भाई, ये खड़ी गाड़ी अपनी, और 152 का भरा था इन्होंने, उसके बाद भाई वो मशीन चलनी बंद हो गई। 152 का भी बड़ी जल्दी सा आ गया है ना, पता नहीं क्या सीन था। हैं लीटर्स पे ध्यान नहीं है कितना, 1.5 लीटर गया होगा तेल, ये 1.5 भी नहीं था, 1 पॉइंट कुछ ही था। हाँ तो वो इतना ही होगा ना, 89 का तो रेट लगाया हुआ है, 89 रुपये का। तो ये ना टेस्टिंग कर लो अपनी, ना आ रहा यार भैया, एक बार उस पे उसकी टेस्टिंग करो भैया, उसकी बत्ती जल रही है, फिर ट्राई करो उस वाली में, एक बार उस वाली मशीन में ट्राई करो। पिस्टन है बस भाभी, एक्टिव नहीं, बंद है भाभी, बंद है, बंद है, बंद है, दो ही चल रहा है, आठ का दो ही चल रहा है, दो ही के चल रहे हैं, क्या चल रहा है, दो। क्या मजा आ गया यार, ये भारत का वो देखो भाई, वो क्या है, रिफाइनरी है, नहीं फिलिंग ग्रैंड, ये डिपो है, डिपो है। अच्छा हाँ जी, तेल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इंडिया का सबसे बड़ा है कर सके भाई। ये एक्चुअली जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे, आई गेस नॉर्थ में ही ना पूरा, तो वैसे एट द हाईएस्ट लोकेशन है मतलब। अच्छा ये देख लो भाई, बाकी आप सीनरी देख लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्या इतनी मतलब खपत डिमांड है नहीं। हाँ सेल कमी है। अरे भाई हम तो सेल कराने आए थे, हमारी क्यों क्या करेंगे, अब इनका कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ भैया क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोग्रेस है, क्या सीन है, क्या मैटर है, क्या मैं कह रहा हूँ क्या मैटर है, कोई मैनेजर वगैरह कुछ भी नहीं है क्या यहाँ पे। 10 बजे आएगी, 10 बजे 10 बजे तो मैं बगल में डिपो है, ऐसे चलता चला रहे पंप, बताओ नहीं हो भी गाड़ी है भाभी,
आप उस पर क्यों नहीं ट्राई कर लेते है भैया, उस पर क्यों नहीं कर लेते? वो डीजल दिखने लग रहा है। ओ भाई कहीं इसमें भी पेट्रोल तो निकाल दिया? कभी हम खड़े ही होने पूरे दिन बर्बाद हो है भाई जी। इसमें भी डीजल ही गाला है, पेट्रोल गाल दिया। डीजल डीजल तो उसमें क्यों नहीं है? डीजल बोले डीजल है ये तो, वो भी तो डीजल लिखा हुआ है। वो बंद है ना, जैसे कि ये पेट्रोल है। हाँ ये नहीं चलेगा, बंद है। अच्छा वो भी बंद है? हाँ वो लकड़ी लगाई हुई तो लकड़ी है भाई, हटा नहीं सकता इनका कुछ होता है नहीं। चल कोई नहीं, आगे देखते हैं भाई। भाई आप इनको 152 रुपए दे, 152 दे दे इनके। यार तुमने तो यार सुबह सुबह यार मजाक सा कर दिया मेरे साथ यार। मशीन क्या करेगी बेचारी, 152 रुपए का तेल जिंदगी में पहली बार गलवाया होगा मैंने गाड़ी में। ये काम यज्ञ के साथ ही होते हैं। जिंदगी में पहली बार 150 रुपए का तेल गलवाया होगा भाई। अबे भाई डीजल ही डाला है ना, कुछ और तो नहीं डाल दिया। गाड़ियां जा तो रही हैं। चलो भाई चलते हैं। सुई तो टस से मस भी ना हुई यार, रेंज भी उतनी की उतनी है। सूंगा भी नहीं होगा इसने। चलो भाई कोई नहीं, भरवाते हैं अपना। 51 की रेंज बची थी, अब मिला है पेट्रोल पंप जाके। अब गाड़ी ऑफ कर देते हैं। 51 की रेंज मतलब 50 की रेंज पे अब मिला है पेट्रोल पंप। ये देख लो डीजल है ना भैया। लो भाई तो भरना, ये तब कितना मार रहे हो। आकाश डीजल है ना? हाँ डीजल है। चल करे हो जा। लो भाई सब लग रही है, 50 की रेंज रह गई थी पता है। सर्दी लग रही है भाई, सर्दी है ही। तो लो जी भरने लग रहा है अपना। भैया कौन सी जगह है ये, हैं पलसी? बड़ा सोच के बोला आपने, यहाँ के नहीं हो लगता है ना, गुड़गांव से हो ना? अभी मुझे तो पता था बिहार से, मैं बिहार का बहुत आदमी आता है यहाँ पे। लो जी भरने देते हैं इसको, गले तक भरवा लेंगे बिल्कुल प्रॉपर। और फिर आपको बताते कितने का है। 50 की रेंज रह रही थी उसमें अंदर, मैंने आपको दिखाया था। और ये देख लो भाई गाड़ी अपनी गंदी हो गई है पूरी। चलो ये तो USP है भाई, जब लद्दाख आएगा यही मड फ्लैप टूटता है। जब लद्दाख आता हूँ ये मड फ्लैप तोड़वा के जाता हूँ। पता ना ये कैसे टूट जाता है हर बार, और तो कोई सा नहीं टूटता। ये देखो बिल्कुल गले तक भरवा लिया है हमने, ठीक है जी। और तेल कितने का है? तेल आया 4075 का, 46 लीटर, ठीक है गले तक है भाई। जैसे ही सेल्फ मारूंगा ना देखना सारे नीचे चला जाएगा, तो यानी इसमें कैपेसिटी तो और है अभी। ओ गिरगट्टे वांगू रंग बदल दे। अब देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको रेंज कितने की आई है। 51 की रेंज थी, 4075 का तेल आया, ये देख लो भाई 46.25। चलो जी लेट्स सी द रेंज, लेट्स सी द रेंज। और गाड़ी भाई टोटल चल चुकी है 73630। लो जी रेंज है, ओह ये तो लॉल हो गया, ये तो स्टार्ट करके चलानी पड़ेगी हल्की सी। लो जी स्टार्ट हो गई अपनी गाड़ी, 4075 का है ना भाई। अब रेंज देख लेना आप, 638 की आ गई, एक सेकंड में आ जाती है, बस हल्की सी बढ़ानी पड़ती है गाड़ी। 638 की रेंज आ गई। सही है जम्मू तक का काम हो गया, वहीं फिर आकाश वाली बात है उसी बॉर्डर से भरवाएंगे जहाँ से 5 रुपये सस्ता था, है ना भाई? बिल्कुल भाई वहीं से भरवाते हैं। और एवरेज की बात कर लूँ कि गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, तो भाई एवरेज दे रही है ये 12.8 की, ठीक है जी। सही दिखाती है भाई इनोवा, सही दिखाती है ये 12.8 की दे रही होगी। तो मोटिव रखते हैं इसको 15 तक निकालेंगे घर तक, कि 15 की दे दे ये हमें। सबसे बड़ा तो यार मेरे को यही लग रहा है कि बस वो खुला मिल जाए मुझे, जो जिला पास और कुछ दिक्कत नहीं है। चलो जी बेल्ट वेल्ट पहनते हैं। ये देखो 0 डिग्री टेम्परेचर, ये माइनस में तो नहीं दिखाती होगी भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं, हो सकता है दिखा भी देती हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि माइनस में दिखाती होगी। जीरो तो भाई इसने दिखा दिया, ये देखो आप
जीरो तो इसमें दिखा दिया, माइनस में तो भाई शायद नहीं दिखाती होगी, बाकी तो पता नहीं चल रहे हैं बाकी तो। और गाड़ी की आवाज़ ही बदल जाती है जब उस पर आते हैं ना, लेकिन अब तो हम थोड़ा नीचे ही उतर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे ठंड ज़्यादा है भाई, धूप भी है ठंड भी है, पता नहीं क्या सिस्टम है, यही चीज़ है। मैंने कहा दिखाता हूँ वरी आप लोगों को कि माइनस में दिखाती है या नहीं, ये देखो माइनस तो नहीं दिखा रही, बस जीरो डिग्री दिखा रही है आउटसाइड, जीरो थोड़ी होगा आकाश यार, चेक नेट ही नहीं आ रहे यहाँ पे यार, होगा पाँच छः तो, जीरो तो नहीं होगा, या हो भी सकता है भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जीरो भी हो सकता है, ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हाई है, हाँ ऑल्टीट्यूड हाई है ये बात भी है, हो सकता है भाई जीरो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलते जा रहे हैं हम तो। ये ब्रेजा वाले भाई हमारे साथ ही चल रहे हैं, ये पहले पीछे थे फिर अब आगे हो गए, तो मैंने कहा यार साथ साथ ही रहना चाहिए, ये देखो वो रहे वो ब्रेजा वाले भाई, चल रहे हैं भाई श्रीनगर रह गए होगा 300 किलोमीटर शायद, बाकी तो श्रीनगर का क्या करना है, पहले तो उससे पहले वाला चैलेंज वो करना है भाई, श्रीनगर तो जब ही जाएंगे ना, तो चलते जा रहे हैं देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, बताते हैं आपको। अब एक डिग्री हो गया भाई, हो गया एक डिग्री, इनका भी गाड़ियों का सिस्टम अलग ही है भाई। इस बीटी हो गई है बहुत तगड़ी भाई, हम हैं यामीना मार्ग पे, ये देखो वहाँ पे वो लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे हैं भाई हम, और यहाँ पे हम आ गए थे 10:25 पे आकाश है ना, और 10 बजे भाई इन्होंने एंट्री भी कर दी थी बंद। अब भाई मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि 10 बजे इन्होंने एंट्री का ये खेल कर रखा है, मुझे ये पता था कि भाई आज तो पूरे दिन खोल रखा है, ये तो मुझे पता था कि एंट्री का कुछ है, लेकिन ये नहीं पता था कि 10 बजे तक ही है। अपडेट ये है कि हम चेक पोस्ट के तो आगे आ चुके हैं, और चेक पोस्ट के पीछे जो है ना उनका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को कि वो लोग निकल पाएंगे या नहीं, तो अब हम चेक पोस्ट के तो आगे आ चुके हैं, अभी तक तो हम चेक पोस्ट के पीछे थे। तो एक चीज़ भाई मैंने आज रियलाइज़ कर ली, मैं वाहन पे बैठा हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी एक चीज़ तो आज रियलाइज़ हो गई भाई, पैसा धरा का धरा रह जाता है भाई, जो बंदा कलम चला देना अपनी वो कलम कलम ही होती है भाई, ये आज मेरी सोच बदल गई भाई। मैं सोचता था पैसा होता है तो सब कुछ कर सकता है इंसान, कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई, पैसे तो हमारे पास ही नहीं है, पूछ लिया नहीं जाने दिया कि पैसों के नाम पे, तो करा ऑफर भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, आप मेरी YouTube फैमिली हो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, पैसा धरा का धरा रह जाता है, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ मिट्टी में डल रहे हैं, भगवान की कृपा से अपना अच्छा बढ़िया है हिसाब किताब, तो पैसा धरा का धरा रह गया, नहीं जाने दिया, फ़ोन करा पापा को बोला दादू को बोला, भाई जो उन्होंने अप्रोच लगवा दी ना उस बदौलत भाई आज मैं चेक पोस्ट के आगे खड़ा हूँ, वरना आकाश तू बता दे कोई माई का लाल अगर मैं आज यहाँ से निकाल सकता था तो कोई भी पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना भाई इतनी अप्रोच लगा दी बस आप पूछो ही मत, जो मतलब बहुत हाई अप्रोच, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे कुछ, मतलब होती हैं चीज़ें बहुत हाई अप्रोच, सीधा कहाँ से लगी, चंडीगढ़ से है, अब आप खुद समझ जाओ, हरियाणा की गाड़ी है ना हमारी, तो हरियाणा का बेसिकली कैपिटल तो क्या ही है, वही है यार, खूब गाड़ियाँ आने लग रही हैं, तो ये है भाई, ये चीज़ आज मैंने बदल दी भाई अपने दिमाग से। और मम्मी कहती थी आकाश मेरे को कि तू पैसा पैसा करता रहता, पैसे से कुछ नहीं होता, कलम की बात कलम की होती है भाई, सेम हो गई है, मतलब आज तक कहती हैं कलम की बात कलम की है भाई, भाई मान गया मैं, आप मानो ना मानो, जब मतलब क्या बोलूँ यार मैं, भगवान की कृपा से भाई अभी इतने पैसे हैं ना हमारे पास, मतलब मैं बोलूंगा नहीं क्यों बोलना, मजा ले भाई नहीं माने पैसों से, लेकिन एक फोन के बाद हमारे को यही बोला, हमारे को जो बंदा हमारे को यूं बोल रहा था कि बात भी नहीं करूंगा, वही बंदे ने सर सर करके बोला, उसी बंदे ने बोला 2446 जल्दी से चेक पोस्ट के अंदर लेकर आओ, देख लो। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी है ना, मैं नंबर तो नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन सब पे पुलिस की कोई स्टार लगा हुआ है, ऐसे तो वरना मेरे पापा वीडियो देखते ना मेरे दादा देखते हैं, लेकिन उनके लिए भाई मैं जितना बोलूं उतना कम है, उन्होंने भाई आज चेक पोस्ट के आगे करवा दिया, और अब हम निकल भी जाएंगे थोड़ी देर में, वो स्लाइड थोड़ी सी साफ कर रहे हैं, तो ये चीज़ है भाई, ये तो आकाश क्या कहोगे भाई, बस ये है कि अब घर जाऊंगा तो ये सुनने को मिलेगा कि देख ले पैसा धरा का धरा रहेगा, कलम चलिए और फिर काम बन गया, ये चीज हर बार हुई है तो ये आगे बात भी तो सही है, सही बात है भाई, आज थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज हुई भाई मेरी, जब मैंने ये देखा कि भाई मैं हाथ में लेके खड़ा हुआ हूँ यार इतने नोट, लेकिन मेरे को कोई जाने नहीं दे रहा,
फिर मैंने फोन करा पापा को, दादू को, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ फोन घुमाया, आप मानोगे नहीं, मेरे पास इतने फोन आ गए, इतने ज्यादा फोन आ गए कि आप मनीष जी के बेटे हो। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा भाई, मेरे को नहीं है पसंद, तो इतने फोन आ गए कि आप इनके लड़के हो, आप इनके पोते हो, आप इनके लड़के हो, इनके पोते हो। मजे आ गए भाई, मतलब देख लिया भाई मैंने यार सिस्टम। असली मैटर तो ये है मैटर, ये सब तो कुछ नहीं है भाई। एक सेकंड के अंदर अंदर आकाश चेक पोस्ट, भाई मजा आ ले, तुम चेक पोस्ट क्लियर करके दिखा देते यहाँ का। मैं बता रहा हूँ कितनी अप्रोच से तो खैर हो ही गया, लेकिन BSF क्या, आर्मी क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ की अप्रोच लगवा दी पापा दादू ने। तो बहुत बहुत थैंक यू है भाई, उन दोनों का ही बहुत बहुत थैंक यू है कि मैं, मतलब मैंने एक ही बार फ़ोन करा था कि पापा ऐसी ऐसी बात हो गई, तो कहते चल ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है। हालांकि हम खड़े तो 4-5 घंटे रहे, लेकिन 10:30 से खड़े रहे, बट लेकिन थिंग्स टेक टाइम। लेकिन भाई ये चीज है कि जो ऑफिसर हमको ये भी नहीं बोल रहा था ना कि, मतलब भाव भी नहीं दे रहा था यार, ऐसा कर दिया था हमको तो कि भाई हम क्या हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। 20 लाख की गाड़ी की कोई इज्जत नहीं करी उसने, 1.5 लाख के फोन का कोई इज्जत नहीं करा, ये इतने 5 पेट्रोल पंप का मालिक है इसकी कोई इज्जत नहीं करी। लेकिन भाई सिक्का जब चला तो चला भाई, तो वही बंदा है आकाश, वही बंदा फोन करके चश्मे पहन के, हाँ सर कहाँ पे हो, सर कहाँ पर हो, सर अपनी गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी ले आइए प्लीज सर। ये है भाई, तो यार है तो यार बढ़िया यार। यार आकाश यार कोई मैथ साइंस ले लेते ना 12वीं में, ह्यूमैनिटीज में फंस गए सुसर। नहीं यार ह्यूमैनिटीज से बनते हैं आज, आजकल जो मोस्टली निकल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। IAS यस, तो अब तो IAS बनाएगा मुझे एंबेसडर का रिव्यू करूं, मैं बना ही दूं फॉरेन सेक्रेटरी बना दूं और बता। तो भाई ये चीज़ है, मैं ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, मैं इसमें से भी बहुत सारी क्लिप्स काट दूंगा, बहुत सारे कट लगे होंगे इसमें आप देखना, मैंने बहुत सारी चीज़ें काट दी होंगी इसमें से, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार, ये मेरे को पसंद नहीं कि हवाबाजी और शो ऑफ। लेकिन हाँ ये है कि च्युइंगम की तूने सिगरेट पी है कान दस कर रहे हैं मेरे को च्युइंगम तो वही काटा, च्युइंगम तो वही काटा, सिगरेट पीता तो सिगरेट पीता नहीं, जॉलाइन निकालनी है ना, जॉलाइन ठीक है जी, मिलते हैं यहाँ से निकलते हैं एक बार फिर मिलते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। गाइस ये देखो अब हमें छोड़ दिया है, और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा भाई सारी वो गाड़ियां हैं जो हाई अप्रोच ही हैं, सामने देख लो पुलिस लिखा हुआ है, उसके आगे जो स्कॉर्पियो है वो भी पुलिस। आकाश ये ORVM में फॉर्च्यूनर दिखा दे, ये देख लो, और पीछे हैरियर देख लो भाई, सारी मतलब ये सारी अप्रोच की गाड़ियां हैं भाई, सीधा दिखा एक बारी, और अब निकल चुके हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इन्होंने जो हमारे इतने घंटे बर्बाद करे हैं ना भाई, बर्बाद ही कहूंगा भाई मैं इन्हें, ठीक है ये कह रहे थे BRO ऊपर काम कर रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन भाई मैं तो भाई छीक लिया भाई, मैं तो नींद भी ले ली एक छोटी सी, मैंने कहा यार मैं सो ही जाता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे है क्या, आखिर है क्या, जोजिला इतना हुआ क्यों है। सबसे पहले तो आप आगे दिखाओ भाई, जो कैसी दूध सी बर्फ है ना मजेदार। वैसे भाई देखो जोजिला है तो बहुत टफ पास है, दोनों हाथ चाहिए इस पास को गाड़ी चलाने के लिए, एक हाथ से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ देख लो, वरना आपने पूरी अभी तक दिया ही देखा होगा कि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, एक हाथ से वीडियो बना रहा था, लेकिन अब मैंने दोनों हाथ गाड़ी को दे दिए क्योंकि बहुत डेंजरस पास है भाई ये। देखो आकाश देख दिखा, ये देखो भाई, तो चल रहे हैं गाइस यहाँ पे। पावर मोड में हमने अपनी गाड़ी डाल रखी है, मेरे को जरूरत नहीं लग रही थी पावर मोड की, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी, मैंने कहा यार छोड़ो ना डाल देते हैं, तो 150 BHP के मजे लेते हैं, ठीक है जी। तो चल रहे हैं गाइस, रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से, जब तक जहाँ पे कोई पैच वैच आएगा वहाँ पे मैं आकाश को बोलूंगा, कैमरा दिखा देगा आपको। ये देखो जी पहला पैच आ गया, ओए होए ओए होए, बिल्ले की क्या बात है, सफारी आगे है और भाई हैरियर है और फॉर्च्यूनर है, मतलब हमारे ग्रुप की कोई सी भी गाड़ी नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं भाई। ये चारों गाड़ियां ऐसी हैं, इनोवा, सफारी, सफारी तो 4x4 है, आर्मी वाली सफारी है जो लिमिटेड बनी थी, ये वो वाली है 4x4 सफारी, हैरियर तो 4x2 ही है और वो भी 4x2 ही है भाई। मेरे को तो नॉस्टैल्जिया सा हो गया पिछली बार का, पिछली बार भाई यहाँ पे मैं इतने गंदे जाम में फंस गया था, ट्रक वालों ने फंसा दिया था। एक किसका फोन आ रहा है जरा देख, अरे देखो यार क्या ब्यूटीफुल सा नजारा है भाई, देखो यार कैसी यार रुई जैसी बर्फ है आकाश, बिल्कुल भाई देखियो यार, आप वाली बात है, बिस्किट बिस्किट ओरियो का, हाँ भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया। पावर मोड में हमने डाल रखी है 150 BHP के, पूरे मजे ले रहा हूँ इस वक्त में, 12 की एवरेज दे रही है गाड़ी, एवरेज मुझे पता है बिल्कुल नहीं दे रही है, लेकिन भाई ये राह भी तो देखो ना, अब राह कैसी है, ये इस राह में कहाँ एवरेज देगी गाड़ी भाई। तो चल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ना भाई पता है रुकना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तुम यहाँ पे मतलब यूँ टॉयलेट करने के लिए भी नहीं उतर सकते, सुसु भी नहीं कर सकते तुम यहाँ पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना स्लाइड लाइट का पता नहीं होता भाई।
हिलक्स दिखा कर, जूम कर जूम कर, हिलक्स भाई, हिलक्स है तो मुमकिन है। टोयोटा है भाई, टोयोटा है भाई, सदाबहार है टोयोटा। पे खाना खाने आए थे और भाई मिल गए हैं हमको गुड़गांव से ही। भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। अपना नाम बता दो। भाई मोहम्मद साहिब नाम मेरा, और भाई कुणाल। कुणाल भाई, तो भाई मिल गए और भाई कह रहे हैं व्लॉग देख कर आए। भाई व्लॉग देख कर आए, भाई गुड़गांव से ही है। अभी पता चला हमको, मैं खड़ा हुआ था, इसका इंतजार कर रहा था आकाश का, ये कोक लेने गया हुआ था, तो भाई आए। भाई ने कहा कि मैंने आपको सोनमर्ग में भी देखा था, फिर आपने वो जा रहा था ना, तो अब यही मिल गया सामने। अभी मिल गया भाई, बस बढ़िया है ना भाई। तो अभी भाई से यही बात कर रहे थे कि एक साथ ही होटल में रुक जाते हैं, स्टे कर लेते हैं, बाकी भाई भाई खाना खा ले। मैंने नंबर दे दिया, फोन वोन कर लीजिए जी भाई साहब। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं फिर। ओके चलते हैं गाइस, फिर हम भी, हाँ फोन कर लेना। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर हम भी होटल में रुकते हैं। ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं भाई। भाई यार मिल गए थे, बड़ा अच्छा लगा मिल के। और ये देखो भाई, अब गाड़ी को देखो यार, ये मेरी गाड़ी है, ये देखना वो झकास, ये वही है जो हम लेकर आए थे गुड़गांव से। है भाई, पर इसकी हमने पीछे से भी देखते हैं, चला जा, चेंज कर दिया हमने इसकी बात। इसको तो मेकअप सा कर दिया हमने। ओ बेटे काट्या रोग, ओए होए, अब लग रहा है कि लद्दाख से आई है, अब लग रहा है लद्दाख होकर आई है गाड़ी, वो पहला नहीं लग रहा था। नहीं चलो जी, चलते हैं भाई, ये ग्लास ले ले अपने भाई, डाल ले इसमें जाकर। भाई खाली कोक पिएगा या कोक में पिएगा? देख लेंगे वो बाद में। आकाश सीता। चलो जी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद आपसे होटल में मिलते हैं, एंडिंग कर दूंगा होटल में। ठीक है जी,